ये देखिए किसके साथ है आपका मुख्तार अहमद और किसके गले मिल रहे हैं ये? आईएसआई का एजेंट वाजिद अली है ये, बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज। अब आप बताइए, और वो सबूत चाहिए आपको? नवाब साहब, आपकी कंपनीज, आपका नाम और आपकी पोजीशन का अगर ख्याल नहीं होता तो कब के गिरफ्तार हो गए होते आपके मुख्तार अहमद? आज के बाद मुख्तार अहमद का नाम मंसूर अली खान के नाम के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। नवाब साहब, हमें आपसे अकेले में बात करनी है, अंदर आइए। इन कागजात पर साइन कर दो। जी, इनमें लिखा है खान फायरवर्क्स की आड़ में आपने टेररिस्ट ग्रुप को रॉ मटेरियल सप्लाई किया है। जी, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? क्या है ये? है कोई जवाब आपके पास? धीरे बोलिए नवाब साहब, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कल मेरी बेटी शाहना का निकाह है, मेरे बीवी बच्चे मेरे हाथों में हथकड़ी देखेंगे तो खुदकुशी कर लेंगे। रहम कीजिए नवाब साहब, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। भाई साहब, मुझे अंदर नहीं, अंदर मत जाइए, उनको बात करने दीजिए। अरे भाई, वो मेरे अब्बू हैं। नहीं नहीं, वो आराम से बात कर रहे हैं, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। अरे मेरे अब्बू अंदर है, वो मुसीबत में। अरे आप समझते नहीं, मेरे अब्बू अंदर है, मुश्किल है, मेरी जरूरत है भाई। खुदा जानता है मैंने जो कुछ भी किया पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम, अपने मजहब। शट अप! कौम और मजहब का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती आपको? इस तरह कौम की मदद की जाती है? आज आप जैसे लोगों की वजह से ही सबसे पहले हम पर शक किया जाता है, इससे पहले कि हम अपने आप से बाहर हो जाएं। साइन इट यार। रहम कीजिए नवाब साहब। भाई साहब, साइन इट। शाहना, उसकी अम्मी और नजीर को ऊपर भेजना। जी नहीं साहब, साहब ने आप दोनों को ऊपर बुलाया है। ऊपर? अबू वो पुलिस? मुझे माफ कर देना। हेलो, हाँ मदन बोल, एयरक्राफ्ट रेडी है? ओके, मैं अभी बोल देता हूँ। नो नो नो, नहीं जाना है मुझे। काय कर रहे हैं बाबा? नहीं जाना है मुझे। देख रहा हूँ, नहीं रहा है। इधर अलाउमेंट बनाऊँ मुझे। हम एक मिनट, बाकी सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे, इट विल बी ओके विद मी। ओके सर। सर, एयरक्राफ्ट रेडी है? रेडी तो हम भी हैं। तो छोटी नवाब कहाँ है? नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। गुठे फेंक लाए, थोड़ा पन छापड़ा चाहिए। काय कर? बाबा, बाबा, बाबा थाम। अरे अरे बाबा,
मुझे लेके जाएंगे दिल्ली। अब देखता हूँ कैसे लेके जाते हैं। मेरी हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन, मेरी हर क्वेश्चन की आंसर। चीफ कहाँ हो तुम? तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। हाय बॉसी। चीफ मुझे मॉम डैड के साथ नहीं जाना। इसे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाभी। मुझे कुछ नहीं मालूम। He's coming with us, okay? बॉसी, हो जाए। भाभी, ये क्या है? चश्मा है। सो तो है, लेकिन इससे सब कुछ दिखता है। क्या मतलब? पायल्स पांडे। जी मैडम। आज तूने चड्डी नहीं पहनी क्या? वो क्या मैडम, कि चड्डी गीली थी। भागो। देखते हैं सपना का चक्कर क्या है। कब तक छुपोगे फूलों के आड़ में? कभी तो आओगे भिंडी बाजार में हैं? अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना, सपना और अब्बास कल क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं। तो देखने दो ना। यस, अगर मैं भी होता आई वुड हैव डन द सेम। दो दिनों की बात है, सपना विल लुक आफ्टर हिम, इजंट इट? ऑफ कोर्स आई विल। डोंट वरी मॉम। अब्बास, नो मस्ती, प्रॉमिस? प्रॉमिस। Happy sweetheart. Captain Singh, let's take off. What is the problem? Sir, engine failure. What? Engine fail ho gaya? How is it possible? Khula, sab theek ho jayega. Aap kuch kariye. We are trying our best, sir. Captain Das, try to keep the plane steady. Calling control. That plane is going down. Oh God, please. या खुदा, मेरे गुनाह माफ करना। यस मिस्टर सिंह। यस सर। टेल मी समथिंग अबाउट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लैक बॉक्स। एयरक्राफ्ट डेफिनेटली 15,000 फीट हाइट के ऊपर गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। आफ्टर दैट देयर वाज नो वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन pilot and the traffic control tower. Last word he said, he lost control over the aircraft. और इसकी वजह दो हो सकती हैं सर, एक operational negligence और दूसरा sabotage. Aircraft crash का कारण यदि sabotage है तो इसके पीछे बेहद intelligent minds हैं। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर aircraft का crash होना एक conspiracy है तो जो लोग इसके पीछे हैं वो अब्बास को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब्बास अब नवाब साहब की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉन्स्पिरेसी एज सच। अगर ऐसा कुछ होता तो इससे पहले कुछ हो जाता। हो सकता है सर इस साजिश के पीछे जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हो कि जब बात पूरी तरह से दब जाए उसके बाद कोई अगला कदम उठाया जाए। हाउ इज द चाइल्ड? 90% नॉर्मल सर। वो अपने मां बाप की मौत को एक एक्सीडेंट समझकर भूल चुका है। चलो अच्छा है। तो फिर इस बच्चे की सिक्योरिटी के सिलसिले में हम लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है? हमें एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जिसे आसानी से खरीदा ना जा सके, जिसका दिल पहाड़ी झरनों जैसा साफ हो, दिमाग गंगा जल की तरह पवित्र, इरादे चट्टानों से भी ज्यादा अटल हो। अब डिपार्टमेंट में ऐसा कोई शख्स ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी की तलाश करने जैसा है। नहीं सर, मेरी नजर में एक नौजवान है। अच्छा,
तत्काल। मिल गया मेडल। कैसे मिलता, आज भी सुना रह गया मेरा सीना। पता नहीं कौन सी घड़ी है तुम्हारे पास जो सपने का भी सही वक्त बताती है। अरे 5 मिनट लेट नहीं आ सकती थी, कितना बड़ा फंक्शन था, बड़े बड़े लोग थे वहां पर। अब उन बिचारों को कल तक वेट करना पड़ेगा। रब तुझे संभाले, शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। शर्म करने से क्या होगा बीजी, काम करने को बोलो, काम करने को। 5 साल से राह देख रहा है सरकारी चिट्ठी की। अरे इसके यारों को ही ले लो, वो हरमिंदर एमए करके आया, पान की दुकान से कितना कमा रहा है, और वो करता रहा पढ़ाई करके आया, गांव में टीचरी शुरू कर दी, और वो जैसे ही कंपाउंडर बन गया। बीजी उन तीनों की जिंदगी का कोई मकसद है क्या? हरमिंदर शहर से क्यों भागा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। करतार और जसी उन्होंने डिग्रियां इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ढेर सारा दहेज मिल सके। हाँ, मैंने पढ़ाई की, पुलिस की ट्रेनिंग ली ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं, छोटे बड़े सब मुजरिमों का खात्मा कर सकूं। पीजी देखना एक दिन मेरा ये सपना सच होगा, लोग मुझे सलूट मारे, जहां से भी निकलूंगा नजारे ही नजारे होंगे। दूध निकाल पहले। हाँ जी। और राजवीर क्या है? आले बोला था ना मैंने, जाऊंगा मैं जाऊंगा बॉम्बे। तू क्या चीज है?
तेरे नैन बड़े मतवाले, जैसे दारू के दो प्याले। तेरे नैन बड़े मतवाले, जैसे दारू के दो प्याले। दिल ना संभले मेरे संभाले, तो क्या चीज है। तेरे नैन बड़े मतवाले, जैसे दारू के दो प्याले। दिल ना संभले मेरे संभाले, तो क्या चीज है। नैन बड़े मतवाले, जैसे दारू के दो प्याले। दिल ना संभले मेरे संभाले, तू क्या चीज है। तू क्या चीज है, तू क्या चीज है, तू क्या चीज है, तू क्या चीज है। मैं दीवाना, मगर तूने नहीं जाना। तू पागल है, तू छक्की है, तुझे मैंने है पहचाना। चाहे मुझे कहे तू छक्की, चाहे जेल में भी तू छक्की, लेकिन बात करूंगा पक्की, तू क्या चीज है। तो फिर तू लगा वो माला जपने, ऐसे होश न खो तू अपनी, तू और देखे मेरे सपने, तू क्या चीज है। तेरे नैन बड़े मतवाले, जैसे दारू के दो प्याले। दिल ना संभले मेरे संभाले, तू क्या चीज है। तू क्या चीज है, तू क्या चीज है, तू क्या चीज है, तू क्या चीज है। सर, राजवीर सिंह फ्रॉम पटियाला रिपोर्टिंग सर। ओ राजवीर, पटियाले दा पट्टा, स्ट्रांग मैन, हाउ आर यू? ठीक ठाक एंड फिट सर। गुड राजवीर, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम से मुंबई बुलाया। मैं जानता हूँ सर, अंडरवर्ल्ड को अंडर कंट्रोल करने के लिए और माफिया को खत्म करने के लिए सर मैंने प्लानिंग शुरू कर दिया है। राजवीर, हर पुलिस वाले में तुम्हारे जैसा जोश होना चाहिए। ये बच्चे की फोटो देखो। मैं जानता हूँ सर, किडनैप कर लिया है ना सर। आप इसके लिए मुझे सिर्फ 12 घंटे दीजिए। मुजरिम जेल में होगा और बच्चा बाबा की गोदी में खेल रहा होगा। पर राजवीर, जो मैं कह रहा हूँ पहले वो सुनो तुम। किडनैपिंग और रॉबरी जैसे क्राइम के लिए हमारे पास बहुत काबिल ऑफिसर हैं। इसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बास नाम है इसका। एक हादसे में इसके माँ बाप की मौत हो चुकी है। इसकी सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया है तुम्हें। इस बच्चे के साथ तुम्हें साये की तरह रहना होगा। एक एक पल इस पर नजर रखनी होगी और हर तरफ से इसका ख्याल रखना होगा। यूं समझ लो तुम्हें एक पुलिस अफसर बनकर नहीं बल्कि एक बच्चा बनकर इसके साथ रहना होगा। मुझे उम्मीद है मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जो यकीन किया है तुम उसे कभी तोड़ोगे नहीं। तोड़ तो तुमने मेरा दिल दिया है। पटियाला से मैं अफसर बनने आया था, आया बना दिया मुझे। राजवीर क्या सोच रहे हो? गो एंड स्टार्ट योर ड्यूटी। यस सर। जय हिंद सर। मैनू लस्सी चाहिए। चल ए गेट मी वन पिज्जा। आई डोंट नीड एनीथिंग, आई एम ऑन डाइट। नो ए पांडे, मेरे लिए वो वड़ा पाव, भजिया और वो रगड़ा पेटीज भेज देना। रगड़ा आ रहा है, रगड़ने वाला। क्या बोला रे तू? क्या बोला?
डरपो कई का। अरे यार अब्बास, तेरा वो जो मैनेजर है ना पायल पांडे, वो साला बदला बदला लग रहा है। पहले तो जब हम ऑर्डर करते थे तो जीजी बोलता था, और आज ही कर रहा है। यार कुछ तो झोलझाल है। What do you mean by झोलझाल? अरे झोलझाल नहीं, गोलमाल है बेबी। बहुत खुश है पांडे, जब से डीआईजी साहब का फोन आया है ना फुदक रहा है, अरे खुशी में गाने गा रहा है। क्या? हाँ बाबा, बता रहा था पटियाला से कोई पुलिस वाला आ रहा है जो आप लोगों का हंसना खेलना मस्ती धमाल अंदर बाहर हल्ला गुल्ला सब बंद कर देगा, यानी आप लोगों की बोलती बंद कर देगा। क्या बक रहे हो? ठीक कह रहा हूँ बाबा, ऐसा ही कोई खड़ूस पुलिस वाला आपका बॉडीगार्ड बन के आ रहा है। बॉडीगार्ड? बाप रे, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना। मेरी मम्मी का भी एक बॉडीगार्ड है, वो तो इतना स्ट्रिक्ट है कि मेरे पापा को भी मम्मी के पास नहीं जाने देता। करेक्ट। और एक बात बताएं बाबा, ये सब किया धरा उस बवासीर पांडे का है। अच्छा, पांडे! अरे ओ मोटू, अब किसका टर्न है? मेरा। नहीं 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 नहीं, पीछे पड़ेगा, पीछे मोट, पीछे। अब चिल्ला क्यों रहे हैं? बेटा मुझे दर्द हो रहा है। हमारे बल्लेबाज बल्ला लेकर खुद ही बाउंड्री लाइन की तरफ भाग रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। दर्द क्यों हो रहा है? बेटा मुझे पाइल्स है। खिलाड़ी बॉल लेकर खुद ही पाकिस्तान के गोल में घुसते चले जा रहे हैं। अटैक गोल! पाइल्स कहाँ होता है? ये पाइल्स पाकिस्तान में होता है। अबू बाबा, ए अबू बाबा, हमने मच्छी को मसाला लगा दिया है, आपको केवल फ्राई करना है, समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ अबू बाबा, आगे आगे लीजिए, फोन लीजिए, जरा जमा के कीजिएगा, आ जाइए। हाँ यार, वो स्कूल मेरा है, मैं उस चीज़ को टर्मिनेट करवा दूंगा। हाँ ओके, हाँ 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 ओके बाय। अबू बाबा, डीआईजी अंकल ने कहा था ना आपकी सिक्योरिटी के लिए, राजवीर सिंह फ्रॉम पटियाला। मैंने सोचा था कि डीआईजी अंकल कोई स्ट्रॉन्ग आदमी भेजेंगे। ये तो डीआईजी अंकल की जिद है, अदरवाइज आई डोंट नीड एनीबॉडी। क्यों डालदा, तुम्हें लगता है मुझ जैसे स्ट्रांग आदमी को किसी की जरूरत है? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं बाबा, क्या मसल्स हैं आपके। नहीं नहीं बाबा, आपको किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको रात को बाथरूम में जाने में डर लगता है। ये क्या कर रहा है, मेरी इंप्रेशन क्यों खराब कर रहा है? नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे उतार, ये लो। अरे ठहरिए ठहरिए, बोलो हम करते हैं, ये पाइल पांडे। क्या हुआ? अरे पर बच्चे ने तो धीरे से मारा था, ये क्या हो गया आपको? आप नहीं समझेंगे सर, ये अंदर की बात है। बहुत दुख रहा है? हाँ, आइए बैठिए, बैठिए। क्या हुआ? ये बहुत सेंसिटिव इशू है, कभी कभी तो बर्निंग इशू बन जाता है, आपको बता देता हूँ, टॉप सीक्रेट है। हाँ बताइए। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बहुत दर्दनाक है। माँ की तरफ से या बाप की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। क्या बात है? दरअसल इससे पहले मैं हैदराबाद के नवाब के यहाँ काम करता था। समझ गया। क्या समझे? नवाब साहब बड़े शौकीन मिजाज के। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। दरअसल नवाब साहब को मिर्ची खाने का बहुत शौक था, वो खुद भी मिर्ची खाते थे और मुझे भी मिर्ची खिलाते थे। मिर्ची खाते खाते ऊपर की मिर्ची नीचे कब लग गई पता ही नहीं चला, और मेरा बैकग्राउंड दर्दनाक हो गया। अब तो आप मेरी तकलीफ समझ रहे हैं ना। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूं। अरे उसके पास तो गन है, ये रियल गन है, वो हमारे साथ चोर पुलिस खेलेगा।
लेकिन दिखने में तो बड़ा अखरू लगता है यार। नो, ही इज सो क्यूट। आई होप ही इज अ बैचलर। बैचलर? तू उसे शादी करेगी क्या? आई डोंट माइंड। अच्छा, बस बता उसका नाम क्या है? राजवीर सिंह। लेकिन ये तो उसका रियल नाम होगा ना? तूने उसका नाम क्या रखा है? अरे हम तो उसका नाम रखना भूल ही गए। कम पहले उसका नाम रखते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है उसके साथ। Tell any funny name? हाँ, चिकना। No, नहीं। हाँ, लल्लू। शट अप, चुप। बंता सिंह। ए, चुप। मैं बताऊँ। हीरो। बढ़िया हीरो की हीरोइन। एक काम करते हैं, पेपर पर अपने अपने मन से एक अल्फाबेट लिखकर यहाँ रखते हैं, ओके? ओके। हम भी लिखेंगे। एक टमाटर, तुम भी आओ। हाँ, इधर आओ। लिखेंगे। भैया हमको भी एक पेपर दीजिए। C-H-A-M-P-I-O-N चैंपियन। ये तो चैंपियन बन गया। वो चैंपियन हो ही नहीं सकता। He looks like a champion, yeah. He doesn't look like a champion. He looks like a chimpanzee. 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 यस सर। तुमसे यही उम्मीद थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम अपनी ड्यूटी एकदम ठीक से कर रहे हो ना? यस सर। वेरी गुड राजवीर, हरदम आंखें खुली और कान चौकन्ने रखना। और याद रखना, सुराग कहीं भी और कभी भी मिल सकता है। बूंद बूंद से समुद्र बनता है, इसलिए छोटी सी छोटी चीज पर बारीकी से नजर रखना। हाँ सर, बूंद बूंद पर ही नजर रख रहा हूँ सर। बाबा अब क्या बताएं? वो दरोगा नहीं, जेलर है। आपका दोस्त है ना, मिनिस्टर साहब का बेटा, एकदम ठीक कह रहा था। इधर कैमरा लगा है, उधर कैमरा लग रहा है, सारे घर को जेल बना दिया। हाँ, कहाँ है वो? अपने कमरे में होगा, और किधर? कैमरे चारों तरफ लग गए हैं सर। हाँ सर, बस शाम तक काम खत्म हो जाएगा सर। ओके सर। क्या हो रहा है? चारों तरफ कैमरे क्यों लगाए जा रहे हो? और मैं तुमसे पूछे बिना कहीं जा नहीं सकता? इसका मतलब क्या हुआ?
हुआ? इसका ये मतलब है कि तुम मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जा सकते। सर देख लीजिए, मेरा बेडरूम, मेरा बाथरूम, तुमने मेरे बाथरूम में कैमरा लगाया? हाँ। फिर मेरी प्राइवेसी? तुम्हारी प्राइवेसी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी सिक्योरिटी है। यू चिंपैंजी, मैं अभी डीआईजी अंकल के पास जाता हूँ और तुम्हें सस्पेंड करवाता हूँ। यू डोंट नो मी। जहाँ मैं जाना उनसे पूछ के जाना। पांडे गाड़ी निकलवाओ। उनसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाने का। पांडे गाड़ी निकलवाओ। देखो मैंने जो बोला सुन लिया ना? पांच पांडे, तुम इम्प्लाई किसके हो? आपका अबू बाबा। ये घर किसका है? आपका अबू बाबा। तो इस घर का मालिक कौन है? आप अबू बाबा। इस घर में ऑर्डर किसका चलेगा? मेरा चलेगा। हेलो हेलो मोटू, कहाँ है तू? कहाँ फास? अभी अभी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। अरे प्रॉब्लम के छोड़, यहाँ बहुत टेंशन है। मैं फंस गया यार, इधर भी तो फंस गया है यार। शट अप, उस पुलिस वाले ने सारे घर पर कब्जा कर लिया है। यहाँ कैमरा, वहाँ कैमरा, इधर कैमरा, उधर कैमरा, और तुझे पता है बाथरूम में भी कैमरा लगाया है। कैमरा? मेरे बाथरूम में कैमरा? अरे नहीं इडियट, मेरे बाथरूम में। ओ अब बोला बस। क्या बोलूं यार, मेरा आना जाना बंद कर दिया। बोला मोटू को बहुत मानूंगा। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा बोला? अब बोलो मेरे बारे में। ठीक है अभी आता हूँ। किसने? कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि हम बच्चे खेल नहीं सकते? डीआईजी का पट्टा अपने गले में पहन कर तुम अपने आप को सूरवीर मत समझो राजवीर। इतिहास गवाह है, जो बच्चों से टकराएगा वो झूठ बोलेगा। ये पायल पांडे, जरा इसे समझा। ऐसे खिलौने तो बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसके साथ खेलने के लिए जो कलेजा चाहिए ना, वो मत लेके पैदा होता है। मत change. That's nice. Get it quick, huh? That's lovely. Oof. Yeah. Listen, I'm too tired. Aaj ke liye bahut ho gaya. Bye bye. Bye. Come on, you can't do this. No, it's no, 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 now. No. I am too tired. Todu. Mobile. Hello. Yahan pe koi bhi nahi hai. Hey, Moto. Chief, chief. चीफ, कहाँ हो तुम? फोटोशूट में और कहाँ? हमने तुम्हें कितना ट्राई किया, तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। पता है क्या हो रहा है? चिल्ड्रन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अच्छा, टॉर्चर हो रहा है। ये किसकी जरूरत बसी? यही पटियाले वाला। पटियाले से? हाँ, डीआईजी अंकल ले भेजा है सिक्योरिटी करने के लिए। बॉडीगार्ड? अच्छा है ना। चीफ, ये तुम कह रही हो, मुझे सिक्योरिटी नहीं फ्रीडम चाहिए। पता है उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका रखा है और चारों तरफ वीडियो कैमरा लगा है और वो हमेशा हमें देखता रहता है। बाथरूम में भी कैमरा लगाया है। बात कर रहा है? वी नीड यू सपोर्ट। अच्छा चल मैं आ रहा है। फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड कंट्रीमैन, बी प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल। सर जी, क्या अरेंजमेंट किया है आपने? अब तो आपकी मर्जी के बिना, क्या कहते हैं वो, कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ओए ऐ कौन है? खोलना। मंकी ब्रिगेड की चीफ है, अपने अबू बाबा की खास एडवाइजर, एमडी खन्ना की बेटी। एमडी खन्ना जी? पर वो तो गधे जैसा लगता है। लेकिन इसकी माँ
ओए होए 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 सर जी। ए, देख तू अंदर नहीं आ सकती। हाँ मैं अंदर आ चुका हूँ। ओए तेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। हाँ सर जी छुप जाइए, सब कुछ दिख जाएगा, बचाइए अपने आप को। क्या दिख जाएगा? इस चश्मे से सब कुछ दिखाई देता है, कपड़े के भीतर तक दिखाई देता है। बेवकूफ। ए पाइस पांडे चुप। मैं नहीं मानता। मत मान। जान में तिल? बटते तिल? ये तो मैंने भी नहीं पता। हैं? ए, चश्मा उतार। चश्मा उतार। दरोगा जी तो गया। चश्मा उतार। इसका भी दिखता है। वो चलता है। तू चल, तू तू चश्मा उतार। आगे है ना? कहाँ जा रहा है? हाँ? अरे पीछे। आगे है ना? पीछे। आगे है ना? हमको तो इस चश्मे में से ऐसा कभी नहीं देखा इसने। देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। क्यों पहलवान? बच्चों पर रोब जमाता है और अब लंगोट छिपाता है। बारा बारा। कैसी लड़की है ये? ओए, ए, ओए, ए, 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 पीछे जाना। कब तक छिपेगा खंबे की आड़ में? कभी तो आएगा भिंडी बाजार में। ए, देख आना। ए, देख पीछे हट, पीछे हट। आना बाबा पीछे हट। आजा पीछे हट। तोड़। एक और है मेरे पास। है? ए, ए, छोड़ मुझे, छोड़। जो स्वीट नो। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो चल ना, चल। एक सेकंड, यू। अबू बाबा, अबू बाबा ठहरिए, हम खुद जाएंगे और सपना को लेकर आएंगे। नहीं, उसने चीफ की इंसल्ट की है, वो खुद जाएगा और सपना को लेकर आएगा। अरे क्या कर रहे हैं? तुम इस सपना में इंसल्ट घर ला पर गए ना साहब? पांडे को भेज दो। साहब पांडे फैक्ट्री गया है और अबू बाबा बोलता है जिसने चीफ का इन सेलेक्ट किया है ना वो ही जाकर उसको लेकर आएगा। अबू बाबा भगवान के लिए लेकर आओ ना साहब। की कड़ा ओए होए पट्टिया गया जट लुटिया गया।
वो चट लुटिया गया, ओए ओए चट लुटिया गया। करके उड़ी मैंने देखी हाय एक सोनी कुड़ी, की करां ओए होए पटिया गया लुटिया गया ओ जट लुटिया गया, ओए होए जट लुटिया गया। करूं क्या, कहूं क्या ना कहूं, मैं जीऊं या मैं मरूं, कब तलक यहीं भरूं। जट लुटिया गया हाय जट लुटिया गया। दिल मेरा लेकर सनम जाओ ना ऐसे कहीं, हमें प्यार तुमसे हो गया, जा दीवाने भूल जा तू दीवाना हो गया, सर से पांव तक तुम्हें देखा मैं खो गया लुटिया गया ओ जट लुटिया गया, ओए ओए जट लुटिया गया। मेरे दिल की चिड़ी फुर करके उड़ी मैंने देखी जब एक सोनी कुड़ी, लुटिया गया ओए ओए जट लुटिया गया, लुटिया गया ओ जट लुटिया गया, ओए ओए जट लुटिया गया। ये देखिए किसके साथ है आपका मुख्तार अहमद और किसके गले मिल रहे हैं, ये आईएसआई का एजेंट वाजिद अली है, ये
बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज, अब आप बताइए और वो सबूत चाहिए आपको? नवाब साहब, आपकी कंपनीज, आपका नाम और आपकी पोजीशन का अगर ख्याल नहीं होता तो कब के गिरफ्तार हो गए होते आपके मुख्तार अहमद? आज के बाद मुख्तार अहमद का नाम मंसूर अली खान के नाम के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। नवाब साहब, हमें आपसे अकेले में बात करनी है, अंदर आइए। इन कागजात पर साइन कर दो। जी। इनमें लिखा है खान फायरवर्क्स की आड़ में आपने टेररिस्ट ग्रुप को रॉ मटेरियल सप्लाई किया है। जी मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा तो फिर ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये? है कोई जवाब आपके पास? धीरे बोलिए नवाब साहब, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कल मेरी बेटी शाहना का निकाह है, मेरे बीवी बच्चे मेरे हाथों में हथकड़ी देखेंगे तो खुदकुशी कर लेंगे। रहम कीजिए नवाब साहब, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। भाई साहब मुझे अंदर नहीं, नहीं, नहीं। अंदर मत जाइए, उनको बात करने दीजिए। अरे भाई वो मेरे अब्बू हैं। नहीं नहीं वो आराम से बात कर रहे हैं, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। अरे मेरे अब्बू अंदर है, वो मुसीबत में। अरे आप समझते, मेरी जरूरत है भाई। खुदा जानता है मैंने जो कुछ भी किया पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम, अपने मजहब। कौम और मजहब का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती आपको? इस तरह कौम की मदद की जाती है? आज आप जैसे लोगों की वजह से ही सबसे पहले हम पर शक किया जाता है, इससे पहले कि हम अपने आपे से बाहर हो जाएं। साइनेट या रहम कीजिए नवाब साहब। भाई साहब साइनेट। शाहाना उसकी अम्मी और नजीर को ऊपर भेजना। जी नहीं साहब, साहब ने आप दोनों को ऊपर बुलाया है। ऊपर अबू वो पुलिस। मुझे माफ कर देना।
क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्यों मारा उसे? क्या किया था उसने? कभी किसी का हाथ तोड़ देते हो, कभी किसी की टांग काट देते हो, कब तक संभालेंगे हम? एक बार कितनी बार? श्रीवास्तव जी, अगर अब आपने इसके ये पैसे लिए तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये आदमी हमारे लिए एक दिन मुसीबत खड़ी करके रख देगा, लेकिन आप माने ही नहीं। उसके लिए स्पेशल कमरा, स्पेशल फैसिलिटी। सर, पुलिस हथकड़ियां डाल के ले जाएगी, तब समझ में आएगा आपको। सर, हम लोगों ने इस पागल को ठीक करके बहुत बड़ी गलती की है। ये पागल था, इसे पागल ही रहने देना चाहिए था। न ये ठीक होता, न ये नौबत आती। देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तक इससे जितने पैसे हमने लिए हैं, बदले में इसके लिए काफी कुछ कर चुके हैं हम। अब हटा दीजिए इसे। नजीर, ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? अब किस बात का गुस्सा? ले तो लिया ना बदला तुमने, मार डाला ना नवाब और उसकी बीवी को, फिर क्यों तुम्हारे सिर पर खून सवार रहता? बच्चा जिंदा है ना, और जब तक वो जिंदा है मैं जी नहीं सकता, सो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसे मरना होगा। ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए बचाया है, उसे मारने के लिए। नवाब का कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अगर बच्चा नहीं मरा तो नवाब का नाम नहीं मरेगा। मैं उसे मारूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे अब्बू का नाम जिंदा रहेगा, मेरी फैमिली बची रहेगी। मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, उसको मारना है। I will kill him. अनीदानी को प्लेन दे दिया है ना? Your plane is gone, baby gone. लेकिन फिर भी आज बहुत मजा आया। Yeah. M.O.2, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि उस अकड़ू चिंपैंजी को अपने कंट्रोल में कैसे करूँ। मेरे डायलॉग बाजी से भी वो नहीं डरा। डर तो मुझे लग रहा है यार, टाल्टा को क्या फटका मारा था, बाप रे। He's a he-man, no? चुप, चिंपैंजी की चमची। पता है आज कल वो चीफ से बहुत डरता है। पर क्यों डरता है चीफ? ऐसे ही। पर तुमने किया क्या? कुछ नहीं। डराने वाली कोई चीज दिखाई होगी। I think you're hiding something. बताती हूँ। Actually, मैंने उसे बॉम्बे दिखा दिया। बॉम्बे? 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 लेकिन वो बॉम्बे देख के कैसे डर गया? मोटू, जो पहली बार बॉम्बे देखता है ना, डर जाता है। डाल रहा हूँ साहेब, वो क्या ना क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो भूख बहुत लगती है। तो थथला क्यों रहा? थैंक यू। ये बच्चा लोग, अबू बाबा, ये आ गया आपका फ्रूट। हाँ, ये लीजिए। हम हैं बनारस के भैया। क्या हुआ? ये डालडा, उनको शक तो नहीं हुआ? अरे शक कैसे होना था, एक मिनट में उल्लू बना दिया। बहुत 30 मार खा समझता था अपने आप को। अरे बंदूक को इधर से उधर कर रहा था, और हम सुबह से अबू बाबा को यहां से वहां कर दिए हैं, अभी तक पता नहीं चला। अरे आमलेट बना, चल चल। ओए ओए, क्या हो रहा है? पाइल्स पांडे जी, तुम्हारी पाइल्स ठीक हो गई हैं? जी हाँ, ऑलमोस्ट। पीछे क्या छुपा रहा? जी वो दवाई, दवाई है साहब। दवाई दिखा। पटियाला पानी नहीं सर, वो चलेगा। नीट दर्शकों ने मैदान में बोतलें फेंकनी शुरू कर दी है,
आम जनता ने भी इस फैसले का विरोध किया है। पुलिस आयुक्त ने आम जनता से अपील करेंगे कि वे लोग अरे जो कुछ कर सकता है उसे बच्चे का बॉडीगार्ड बना दिया। अरे मैं वहाँ आता तो सबको ठीक कर देता। क्यों पांडे? सुनते नहीं जी, कुछ नहीं सर। इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है साहब? वो अबू बाबा तो सुबह से ही बाहर गए साहब। क्या साहब? वो सपना जी आई थी और क्रिकेट मैच के लिए सर जी वो बोल रही थी कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ। yes. एक दो और एम्बुलेंस अरेंज करो। फायर ब्रिगेड को फोन किया। yes. hey, राजवीर। जय हिंद सर। किसे ढूंढ रहे हो? इस तरह अपनी ड्यूटी करते हो? उस बच्चे के साथ 24 घंटे रहने के लिए कहा गया था कि नहीं? कहा थे तुम? तुम्हें यहां बुलाकर हम लोगों ने गलती की है। वहां गांव में बैठकर भैंस का दूध निकालने के लायक हो तुम? अरे एक बच्चे को संभाल नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हो, इडियट। अब इस तरह स्टैचू बनकर खड़े क्यों हो? जाओ चादर तान कर सो जाओ, घर जाओ। आई से गो। क्या करे? तुम लोग सब गाड़ी में बैठो, मैं बॉस को छोड़ के आता हूं। ओके आज के बाद इस कंपाउंड में कदम मत रखना। मैंने कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन ऐसी कोई कसम भी नहीं खाई है मैंने। सर जी गलती हमारी थी,
अबू बाबा की खुशी बड़ी मुश्किल से वापस आई है और हम लोग नहीं चाहते कि वो ऐसा क्या। सर हम ये सब जो मस्ती मजाक करते हैं ना, सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी तरह से अबू बाबा को खुश रख सके। साहेब, भगवान ने उनसे उनका माँ बाप छीन लिया साहेब, हम इधर नौकर लोग हैं साहेब, हमें कशी तक का मिला पूरी करना साहेब, पर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं साहेब कि उनको कोई कमी नहीं हो साहेब। हम आज से आपकी हर बात मानेंगे सर, वो अबू बाबा को वापस हंसा दीजिए, उनकी हंसी लौटा दीजिए सर। जानते हो अब्बास, मैं बॉम्बे ये सोचकर आया था कि यहाँ के जितने भी बड़े बड़े बदमाश हैं ना, सबको पकड़कर जेल में बंद कर दूंगा और उसके बदले में मुझे ढेर सारे मेडल्स मिलेंगे। तो क्या हुआ, आप पकड़ लेना, नो प्रॉब्लम, और मैं डीआई जंगल से कह के तुम्हें मेडल भी दिला दूंगा। तुम्हारी हंसी किसी मेडल से ज्यादा अच्छी है। फिश 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 कैच कैच। अरे वाह, तूने तो सच्ची में एक मच्छी पकड़ ली। हाँ, मेरे डैड कहते थे फिशिंग के लिए बहुत पेशेंस चाहिए।
तुम्हारे दादा ने तुम्हें फिशिंग नहीं सिखाई? नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ दूध धोना सिखाया। दूध धोना? मिल्किंग। मिल्किंग? तो मिल्किंग करते थे? तुम मिल्किंग करते वक्त बहुत फनी दिखते होंगे ना? हाँ। You're so cute। जानते हो, मैं जितना दूध निकालता था ना, उसका आधा तो मैं खुद ही पी जाता था। लेकिन जब पापा को पता चलता था ना, बहुत गुस्सा होते थे। और तुम्हारी मॉम? वो नहीं है। Oh, I see। चैंपियन, तुम्हें पता तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो दूर आसमान में जो स्टार्स है ना, उनमें से एक तुम्हारी मॉम है। ढूंढ लो उन्हें। और वो दो साल दिख रहे हैं ना कैदा, वो मेरे मॉम डैड है। मेरी मॉम कहती थी, जब कोई मर जाता है ना, वो स्टार बन जाता है। और ये जितने सारे स्टार है ना, वो किसी ना किसी के मॉम डैड है। और जब हम मर जाएंगे, हम भी स्टार बन जाएंगे, है ना चैंपियन? ये बॉम्बे की मछली कितनी चालाक है, मेरे कांटे में तो अभी तक एक भी नहीं फंसी। हैं? बॉम्बे की मछली? मछली नहीं, मगरमच्छ है ये। अगर मछली पकड़नी हो तो कांटे में चारा भी डालना पड़ता है। चारा? गांव में मैं अपनी भैंसों को 3 बार चारा डालता था, मगर उसका मछली से क्या लेन देन है? पौसी, कल अवार्ड फंक्शन में जाना है, याद है ना? हाँ याद है, हम दोनों चलेंगे। Da 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 da
मुझसे वो कहता है, कहता ही रहता है, मैं प्यार में ये भी कर जाऊंगा। तूने न देखा तो, तूने न चाहा तो, मैं जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। कहाँ? झंडा फहराने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, पुरस्कार वितरण तो ही होगा। ठीक है जान। सर, इट वॉज अ क्रूड बॉम्ब और इसे साफ लगता है कि यह प्रोफेशनल लोगों का काम है। लेकिन एक बात है सर, जिसने भी यह बॉम्ब प्लांट किया है बड़ी चतुराई से किया है। हाउ वेयर द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स? नॉर्मल सर, बिकॉज नो वीआईपी मूवमेंट वॉज देयर। एनीवे मालिक जी सर, फिलहाल तो बच्चे की सिक्योरिटी के सिलसिले में ज्यादा ध्यान दे दो।
बंगले के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दो। प्रोवाइड द चाइल्ड विद द जेड सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं सर। व्हाट? सर मैं चाहता हूं कि बच्चे पर दोबारा हमला हो। क्या बकवास कर रहे हो? जस्ट अ मिनट। सर हमें यह दिखाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लगना चाहिए जैसे हमने इस बात को सीरियसली लिया ही नहीं, ताकि वो दोबारा हमला करे और इस बार हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा एक और बात है सर, अगर इस घर के चारों तरफ पुलिस वाले रहेंगे तो बच्चा और डर जाएगा। Well, it sounds sensible, but it involves great risk. मुझे एक मौका दीजिए सर। ओके। क्या हुआ? अब्बास ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है, किसी से बात नहीं कर रहा है। अब्बास, ए, तू तो बहादुर है ना, रो क्यों रहा है? कोई मुझे मारना चाहता है ना? कौन बोल रहा है ऐसे? मुझे पता चल गया कि मेरे मॉम डैड को किसी ने मारा था, अब वो तुम्हें भी मार डालेगा। कैसी बातें कर रहा है तू? फिर कौन मुझे मारना चाहता है? वो मुझे मार डालेगा। अरे तुझे कोई नहीं मार सकता, मैं हूँ ना, मैं मार डालूंगा उसे। और देख सब तो तेरे साथ है, सपना है, डालडा है, कांता है, सब तेरे साथ है ना? और जानना चाहेगा कौन है तेरे साथ? देखना चाहेगा? कौन है ये लोग? जाओ उनके पास और उन्हें बता देना कि कल तुम उनकी सारी फैक्ट्रियां दोबारा शुरू कर रहे हो। जाओ। अच्छा लगता हूँ, एक लड़की जिसकी आंखें ये कहती हैं मैं उसको अच्छा लगता हूँ।
प्यार की बातों से जाने क्यों घबराती है, प्यार की बातों से जाने क्यों घबराती है, कोई बताए कैसे पगली को समझाऊं। Thank you.
हेलो बाबा। हेलो सर। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि अपनी इस बंद फैक्ट्री का उद्घाटन अबू बाबा के हाथों किया जाएगा। आइए बाबा। यही है We've got him. मिल गया सर 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 यही है वो। इसका प्रिंट आउट निकालो और इसकी डिटेल्स पता करो। आप इससे मिलना चाहते हैं? जी हाँ। सुनो। यस सर। आइसोलेशन वार्ड नंबर 3 से नजीर को लेके आओ। नजीर, पुलिस वाले आए हैं। हाँ,
यही है वो सर, यही है वो जो अब्बास में हमला कर रहा है, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। राजवीर, मारने की कोशिश, और ये आपके नौजवान पुलिस ऑफिसर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये रही इसकी केस फाइल। जो आदमी कायदे से चल नहीं सकता, जो ठीक से बोल नहीं सकता, जो रोटी का निवाला अपने हाथ से अपने मुंह तक नहीं ले जा सकता, और तो और जो बार बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका हो, वो किसी की जान लेने की कोशिश करेगा, इस बात पे तो सिर्फ हंसी आ सकती है सर। ये दिमागी रूप से बेहद बीमार है, पागल है ये। और सर, हम इसे जंजीरों में जकड़ कर सेल में कैद करके रखते हैं। हो सकता है सर मुझे धोखा हुआ हो। इस ओके राजवीर, लेट्स गो। किलो का भेजा भी अजीब चीज है। ठीक हो तब भी तकलीफ देता है, और अगर ना ठीक हो तब तो और भी तकलीफ देता है। ओए, तू तो अपने हाथों से खा नहीं सकता था ना। अरे, तू तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। पागल है ना तू? तुझे मैं ठीक करूंगा। तू ये बिजली के झटकों से ठीक होने वाला नहीं है। तुझे चाहिए देसी इलाज, और वो इलाज करेगा ये देसी हाथ। तेरी जो मासूम बच्चे को मारेगा तू। इससे ज्यादा मारेगा। अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर। 2000 किलोमीटर से 2000 के लिए आया है ना यहाँ पर, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर्विस है, सैलरी है, सपना है, सेटल हो जा। तू कुछ भी कर ले, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा एक फुट का फासला रह जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि तू हमेशा एक फुट नीचे से सोचता है, यहां से, और मैं एक फुट ऊपर से, यहां से। इसीलिए आज तो अंदर है और मैं बाहर। तो जाऊं? आइए सर, आइए, आप खुद देखिए सर, खून सवार था। आज तो उसने नजीर को मार ही दिया होता सर। आइए आप देखिए, बड़ी मुश्किल से इसे बंद करके रखा है सर। अगर बंद नहीं करते तो ये नजीर को जान से मार देता। ये झूठ बोल रहा है सर, वो पागल नहीं है, ये भी उसके साथ मिला हुआ है, झूठ बोल रहा है ये। सर ये पूरा पागल हो गया है सर, आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, वरना मैं हायर। झूठ बोल रहा है तू। राजवीर,
छोड़ो इसे। सर, सर इसने कहा था ना कि वो अपने हाथों से खा नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो सब झूठ है सर। मैंने देखा सर, वो अपने हाथों से खा रहा था, चल भी रहा। बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल। सर, सर, सर नसीर वहाँ पहुँच जाएगा, बच्चे को मार देगा सर, अब्बास को मार देगा सर। सर आप इसे खुलवाइए सर, सर वो बच्चे को मार देगा सर, आप खुलवाइए ना। नसीर कहीं नहीं गया सर, नसीर यही है सर, आप मुझे छुड़वाइए। छोड़ो इसे, छोड़ो। वो कहीं नहीं गया सर, वो यहीं पर सर, आप आइए मैं दिखाता हूँ। खोलो इसे। वो कह रहा था ना सर कि नजीर यहाँ से भाग गया है, नजीर कहीं नहीं गया, यही है सर, वो देखिए सर। क्या हाल किया इसका सर, बुरी तरह मार मार के वो पूरा पागल हो गया सर। दिन में ये साहब भी आए थे, हमने इन्हें डिटेल में बता दिया था कि नजीर न चल सकता है न बोल सकता है, फिर भी इसने सर देखिए कितनी बेरहमी से मारा। देखिए सर, सही देखिए, ये फाड़ रहा है सर, मर जाएगा सर, रोकिए इसको, रोकिए सर, ये उसको मार डालेगा सर। राजवीर क्या कर रहे हो? राजवीर छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो राजवीर, छोड़ो, रोकिए सर, और देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे। राजवीर स्टॉप, इट बंद करो ये पागलपन, उठो। बंद कर दो इसे लॉकअप में। तुम उस तरफ देखो। यस सर। और तुम ऊपर। हो साहब। बच्चा कहाँ है? ऊपर। और आप लोग? मैं इंस्पेक्टर शिंदे, आज से हम लोगों की ड्यूटी यहाँ पर। राजीव कहाँ है? उसे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड? इंस्पेक्टर लॉक करो, मैं कहता हूँ लॉक करो। सर, सर देखिए सर, वो बच्चों को मार डालेगा सर। सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते, वो सब डॉक्टर उसके साथ मिले हुए हैं सर। सर देखिए वो वहाँ पहुँच भी गया, वो अकेला है सर। सर आप खोलिए सर। हेलो। हेलो, डीआईजी मलिक है क्या? नहीं, घर पे नहीं है मैडम। वो कब तक लौटेंगे? पता नहीं, आप कल सुबह फोन कर दीजिए। अब्बास,
अब्बास कहाँ हो? अब्बास तुम मुझसे डरो मत। हाँ, तुम्हारे अब्बू अम्मी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। अब्बास वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम भी उन्हें बहुत याद करते हो ना? हाँ मालिक, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं। ये बात अगर ऊपर तक पहुंचे तो जानते हो क्या होगा? मेरी बात तो सुन। जस्ट शराब आई सेड यू शराब यू फूल। मालिक इसे टर्मिनेट कर दो और पटियाला वापस भेज दो, ये वर्दी पहनने लायक नहीं है। नहीं, वर्दी पहनने के लायक आप लोग नहीं है, बेवकूफ बना दिया उसने आप सबको। राजवीर ताला खोल नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। राजवीर तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब्बास, अब्बास, अब्बास बेटे, डॉक्टर कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर। हाँ, एक मिनट। अब बस बेटे हॉस्पिटल आ गया। हाँ
Doctor? My God, this is an emergency. Nurse, quick, quick, move, move into the operation theater. Quick, move, move. Nice and easy. Easy into the operation theater. That's it. Nice and easy. Very good. Please wait outside. Please wait outside, right? Nurse, operation quick. Doctor, clean the wounds. Stethoscope, please. Keep the IV ready. Blood group check quickly, please. Scissors, please. Doctor? The child is fine. Don't worry. तुम लोगों को एक ही सजा मिलनी चाहिए, सब के सब लोगों को एक कतार में खड़े कर देना चाहिए और शूट कर देना चाहिए। नमस्कार, एक विशेष सूचना। एक खतरनाक व्यक्ति जो मुंबई शहर में मौजूद है और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसके पास घातक हथियार भी है। इस आदमी का नाम नजीर है, जिसने कल रात एक फार्म हाउस में घुसकर कई लोगों को मार दिया। अब्बास, 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 ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कब? कब? डॉक्टर, वो चिल्ला क्यों रहा था? प्लीज रिलैक्स। वुड यू जस्ट प्लीज रिलैक्स। पर आपने उसके मुंह पर वो, मैं सब समझाता हूँ तुमको, प्लीज रिलैक्स। वो बच्चा, मुझे मालूम है कि बच्चा है, लेकिन हमको ऐसा करना पड़ा। वुड यू प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। थैंक यू। दरअसल वो होश में आया और होश में आते ही उसने चिल्लाना शुरू किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो बेहद डरा हुआ है और किसी को पहचान नहीं पा रहा है। नाउ विल यू काइंडली टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। क्या कर रहे हो तुम? मुझे पहचानेगा ये, जैसे आंख खोलेगा ना, मुझे देखेगा तो ठीक हो जाएगा। इसे तुम्हारी नहीं, मेरी जरूरत है। बस this slave fox wants to eat ha
अब्बास 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 मैं राजवीर अब्बास अब्बास मैं राजवीर अब्बास मैं हूँ अब्बास अब्बास मेरी बात अब्बास 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 मैं हूँ अब्बास मैं राज अब्बास मत मारो मत मारो अब्बास मैं हूँ मत मारो अब्बास मैं हूँ अब्बास मैं राजवीर हूँ अब्बास अब्बास come on quick follow me come on come on come on मुझे पहचाना अब्बास मैं हूँ अब्बास अब्बास राजवीर अब्बास डॉक्टर अब्बास मैं राजवीर हर चेहरा उसे किलर का चेहरा दिखाई देता है बिकॉज वही इमेज उसके दिमाग पर हावी है द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर व्हाट डज इट मीन डॉक्टर कुछ भी हो सकता है अपनी आवाज खो सकता है ही मे लूज हिज मेमोरी पागल भी हो सकता है ही मे इवन डॉक्टर कोई तो इलाज होगा मेरे ख्याल से बच्चे को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है किसी तरह यह पूरा हादसा बच्चे के दिमाग से निकालना होगा वो इमेज मिटानी होगी अगर बच्चे को यकीन हो जाए कि उसकी डर की वजह खत्म हो चुकी है तो शायद बच जाए डॉक्टर ये कैसे होगा वेल वी हैव टू कम अप विद समथिंग देखिए जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि बच्चा जिस तकलीफ में चैंपियन ये मर गया चैंपियन अब्बास चैंपियन Thank you.
यस डॉक्टर करांडे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाइल्ड इज कम्प्लीटली आउट ऑफ शॉक। अब्बास पूरी तरह नॉर्मल है, इस वक्त वो अच्छी नींद सो रहा है। सर, अब आप असली मुजरिम को किसी दूसरे शहर की जेल में ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसा ही होगा डॉक्टर, वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। व्हाट होगा? आपके कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने इतना सब कुछ किया बिना किलर को अरेस्ट किए? ये सब करने से पहले किलर को अरेस्ट करना जरूरी था। बच्चे का ठीक होना ज्यादा जरूरी था, और फिर आप लोगों ने तो कहा था कि एक ही रास्ता है, उसके दिमाग से हादसा निकालना होगा, इमेज मिटाना होगा, और मेरी समझ में ही आया, मैंने किया। बच्चा ठीक हो गया ना? आप समझ नहीं रहे हैं, इस प्लान ने बच्चे का खतरा और बढ़ा दिया है और उस किलर का काम आसान कर दिया है। अब उसे सिर्फ एक बार बच्चे के सामने आना है, बस। ऐसा कोई दीवाना, ऐसा कोई मस्ताना, ऐसा कोई परवाना। ऐसा कोई दीवाना, ऐसा कोई मस्ताना, ऐसा कोई परवाना। दिल को चुराने वाला, अपना बनाने वाला, जादू जगाने वाला। पत्थर को जो पिघला दे, दिन में तारे दिखला दे, कर दे हर मुश्किल को
ओके। अरे बाबा ऐसे नहीं। वाओ कितना टेस्टी है। मगर चैंपियन तुमने तो कहा कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें सिर्फ दूध निकालना सिखाया है और तुम लोग खाना भी अच्छा बना लेते हो। व्हाट इज द सरप्राइज? एक और सरप्राइज दूं? डांस करके दिखाओगे क्या? नहीं। बॉम्बे न्यूयॉर्क बॉम्बे वाओ व्हाट अबाउट डिज्नीलैंड वू। अब्बा सपना पर इसमें तो दो ही टिकटें हैं मेरी और सपना की। तुम्हारे कहाँ हैं चैंपियन? मुझे बहुत जरूरी काम है मैं बाद में आऊंगा। बहुत जरूरी है तो ठीक है तुम अपना काम खत्म कर लो फिर हम लोग साथ में चलेंगे। Yes, yes, come on, turn. Yes, 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 yes. Yes, 1 lakh point. Yes, come on, 1 lakh. Yes, come on. Yes, turn. Yes, yes, come on. Abbas. Hi, champion. Interesting game, but difficult. खेलना है क्या? Yes, come on. Yes. नहीं तुम खेलो. Yes. Then what? Yes, come on. Come on. अरे मैंने इतना सारा पॉइंट्स बनाया और तुमने कुछ बोला ही नहीं कैसे दोस्त हो यार तुम मेरे दोस्त हो ना। हाँ ऑफ कोर्स। तो फिर अपने दोस्त की बात मानोगे? आज रात को तुम और सपना अमेरिका चले। फिर वही बात मैंने तुमसे कहा था ना कि हम तीनों साथ चलेंगे बस बात खत्म। देख मैं क्या नो हम तीनों साथ चलेंगे पीरियड। देखो अब्बास जिद मत करो मैंने कह दिया ना कि आज रात को तुम अमेरिका जा रहे हो मतलब तुम अमेरिका जा रहे हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा एंड दैट्स माय ऑर्डर। क्या ऑर्डर है? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ तुमने मुझे खरीद लिया है जो तुम कहोगे मैं करता रहूंगा जिंदगी भर तुम्हें अपनी गोद में घुमाता रहूंगा। मैं यहाँ ड्यूटी करने आया था जो खत्म हो चुकी है कल से मेरी ड्यूटी कहीं और है इसलिए कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। चैंपियन कल से तुम्हारे कहीं और ड्यूटी है इसलिए तुम मुझे अमेरिका भेज रहे हो ना। Go. Go. Thanks for saving me. Thanks for saving my life, champion. क्यों? शर्म आ रही आंख मिलाने में? कल से तुम्हारी ड्यूटी दूसरी जगह है ना जाओ। तुम तो यहां सिर्फ ड्यूटी करने आए थे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए आए थे तो अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म बच्चे को बचा लिया तुमने अब जाओ। लेकिन इस तरह जाना था तो क्यों बनाया रिश्ता उससे क्यों पास आने दिया उसे क्यों की झूठी दोस्ती। अब्बास 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 सब ड्रामा था तुम्हारा आज पता चला तुम सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो सैलरी के लिए ड्यूटी करने वाले एक मामूली पुलिस ऑफिसर। नजीर जिंदा है। क्या? लेकिन तुमने तो उसे मार दिया था। वो सब एक नाटक था सब नकली था क्योंकि अब्बास को ठीक करना था तुमने अब्बास की हालत देखी थी ना अगर अब अब्बास को पता चलेगा कि नजीर जिंदा है तो वो मर जाएगा इसलिए हम उसे दूर भेज देना चाहते हैं ताकि हम नजीर को मार सकें। अगर अब्बास यहां रहेगा तो हम किसी भी टीवी या न्यूज़पेपर में उसकी फोटो तक नहीं दे सकते। सपना इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब्बास को लेकर यहां से दूर चली जाओ। बॉसी राजवीर ने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा वो कहीं नहीं जा रहा वो हमारे पास रहेगा लेकिन उसे जरूरी काम है क्यों ना हम पहले चले जाते अमेरिका और वो जल्दी हमारे पास आ जाएगा मैंने उसे कहा है। हाँ तुम भी उससे मिल गई वो नहीं आएगा
तुम जाओ उसके साथ, मुझे अकेला छोड़ दो। Leave me alone. बासी, बासी। तुम इसे ऊपर ले जाओ। तुम लोग सब लोग अंदर जाओ और घर की लाइट ऑन कर दो। अशोक, अशोक सावन, पवार, कहाँ हो तुम लोग? है ना, है ना, है ना, है ना। कौन? अशोक सावंत? हाँ, मर गए। सच, मैं किसी को मारने का ड्रामा नहीं करता तेरी तरह। आजकल तू भी एक फुट ऊपर से सोचने लगा है, है ना? मुझे ढूंढ रहा है? नहीं ढूंढ पाएगा। अरे सामने आ, डरपोक, सामने आ। क्यों बच्चे को झूठ बोला तूने? उसे बताया कि मैं मर गया हूं, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। अब बच्चा मुझे देखेगा और मर जाएगा। तू तो खेलना चाहता है ना? चल खेलते हैं। अभी पानी में हाथ पांव मारकर तूने नहीं बचाया उसे, मैंने उसे मारा नहीं। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं खत्म कर देता, ऐसे। सोच क्या रहा है? खेल शुरू हो चुका है। भाग।
पांडे तू ठीक है ना? सपना आपस, तुम लोग जल्दी से नीचे आओ। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो। पांडे चलो। जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। चलो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर वापस आ जाएगा। सपना उसे हॉस्पिटल लेकर गई है, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। चैंपियन, चैंपियन सब कौन कर रहा? चैंपियन, चैंपियन वो क्या है कि वो जिंदा है? नहीं नहीं नहीं, नजीर जिंदा है चैंपियन। नहीं नहीं नहीं, मैंने नजीर को तुम्हारे सामने मार दिया था ना हॉस्पिटल में, देखा था ना तुमने। और तुम चाहते ना मैं तुम्हारे साथ अमेरिका चलूं? तुम्हारे साथ? हाँ मैं चलूं। बस बस तू ठीक है ना बेटा? हाँ बस बस चैंपियन ले आना इसे मेरे पास, सही जगह कब्रिस्तान। हर कहानी यहां आकर खत्म हो जाती है। देख ये इसके बाप की कब्र है और ये इसकी मां की और ये इसकी कब्र का सही सही है ना? साइज एक फुट ऊपर से कम है और एक फुट नीचे से। We'll be right back.
अब्बास नहीं अब्बास 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 बैक अब्बास वो नहीं नहीं अब्बास अब्बास अब्बास